कुछ लोग करना चाहते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं। दोस्तों, आज जो लोग सोचते ज्यादा है लेकिन काम कर नहीं पाते, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखें। मैं हर बात पर ज्यादा क्यों सोचता हूँ? ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? आपको भविष्य की चिंता है? आप अतीत के बारे में चिंतन करते हैं? आप इस बात से तनाव में रहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप उदास या तनावग्रस्त महसूस करते हैं? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले, ताकि हम ऐसे और वीडियो लाए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग खुद से पूछते हैं, मैं हर चीज को ज्यादा क्यों सोचता हूँ और कभी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन तनाव और चिंता भावनाएं हैं, और आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डियर को काउंसलर बनने दें, न कि जेलर। यह आपके डर का सामना करने का समय है, ताकि आप उन्हें दूर कर सकें और इन 7 तरीकों का उपयोग करके अच्छे के लिए सब कुछ खत्म करना बंद करें। 1. अपने विनाशकारी विचार पैटर्न को पहचानें। 2. अतीत को जाने दो। 3. पल में जियो। पल में जीना सीखने की कुंजी है कि कैसे अधिक सोचना बंद करें। अधिकांश लोग केवल एक स्विच फ्लिप नहीं कर सकते हैं और पल में जी सकते हैं, या वे कर सकते हैं। आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को उनके रास्ते में आने से रोक सकते हैं। 4. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पल में जीने का मतलब अपनी नकारात्मक भावनाओं को दफनाना नहीं है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करने और उनके मूल कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है। 5. समाधान पर ध्यान दें। जैसा कि टोनी कहते हैं, अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन समाधान के लिए अपनी शक्ति और ऊर्जा दें। आपने अपने तनाव और चिंता के वास्तविक कारणों की पहचान कर ली है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छे के लिए ज्यादा सोचना बंद करने का तरीका सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। 6. खुद से सही सवाल पूछें। अपने आप से गलत प्रश्न पूछना, जिसमें मैं हर चीज के बारे में अधिक क्यों सोचता हूँ बार बार, यह पहचानने में आपकी मदद नहीं करेगा कि वास्तव में आपके विचारों या आपके जीवन में क्या चल रहा है। वे केवल अधिक सोचने की सुविधा देंगे। समाधान उन्मुख प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें जो सक्रिय हैं, न कि उन प्रश्नों पर जो अफवाह को ट्रिगर करते हैं। यह पूछने के बजाय कि मेरे सारे रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं, पूछें मैं कौन सी ऊर्जा पेश कर रहा हूं जो नकारात्मक भागीदारों को आकर्षित करती है। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आपको अपने स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, तो आप अत्यधिक सोचना कम कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकेले क्यों रहना चाहते हैं लोग? अमेरिका की ही बफेलो यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक जूली बोकर के रिसर्च से फीस्ट के दावे को मजबूती मिली है। जूली कहती हैं कि इंसान 3 वजहों से लोगों से घुलने मिलने से बचते हैं। कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसलिए दूसरों से मिलने जुलने से बचते हैं। वहीं कुछ लोगों को महफिलों में जाना पसंद नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिलनसार होने के बावजूद अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। आप अपने मन में नकारात्मकता को पनपने नहीं दें, इसी में आपकी भलाई है।